भारत के सबसे रोमांचक गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो पर हैं 70 से भी ज्यादा गेम्स। तो खेलो अपने मनपसंद गेम्स और रोज जीतो करोड़ों के इनाम। डाउनलोड नाउ फ्रॉम winzogames.com। गेम में वित्तीय जोखिम शामिल है और इसकी आदत लग सकती है। जिम्मेदारी और अपनी जोखिम पर खेलें। पहले बॉलीवुड में, फिर राजनीति में, दोनों ही क्षेत्र में किरण खेर ने अपनी गजब की पकड़ बनाई। एक से एक बेहतरीन फिल्मों में अभिनय और हर किरदार में रम जाना किरण खेर की खासियत रही। लेकिन वही किरण खेर आज एक गंभीर बीमारी से लड़ रही। बॉलीवुड की अभिनेत्री और चंडीगढ़ से बीजेपी की सांसद किरण खेर एक गंभीर बीमारी से जूझ रही है। दरअसल किरण खेर को मल्टीपल मायलोमा हो गया है। मल्टीपल मायलोमा एक तरह से ब्लड कैंसर है और मल्टीपल मायलोमा में खून में व्हाइट ब्लड सेल संबंधित समस्याएं होती है। दुनिया के सभी तरह के ब्लड कैंसर में मल्टीपल मायलोमा दूसरे नंबर पर है। मल्टीपल मायलोमा में बोन मैरो पर असर पड़ता है। किरण खेर के बाएं हाथ से लेकर दाएं कंधे तक ये बीमारी फैली है। ये वही बीमारी है जिससे आज से कुछ साल पहले अभिनेत्री लीजा रे भी ग्रसित थी। हालांकि पहले ये बीमारी लाइलाज मानी जाती थी, लेकिन अब इसका इलाज संभव है। अच्छी खबर ये है कि किरण खेर भी इस बीमारी से अब रिकवर हो रही है। किरण खेर को इस बीमारी का पता तब चला जब पिछले साल उनके हाथ में चोट लगी। चंडीगढ़ के अस्पताल में जब उन्हें ले जाया गया तब ये बीमारी डिटेक्ट की गई थी। फिलहाल किरण खेर मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में है और इलाज जारी है। किरण खेर के पति और अभिनेता अनुपम खेर ने सोशल मीडिया पर आधिकारिक स्टेटमेंट जारी कर उनकी सेहत के बारे में जानकारी दी है। उन्होंने बेटे सिकंदर और अपने नाम से स्टेटमेंट में लिखा है, फिलहाल उनका ट्रीटमेंट चल रहा है और हमें पूरा यकीन है कि वो पहले से ज्यादा मजबूती के साथ इससे बाहर आएंगी। हम खुश नसीब हैं कि वो बेहतरीन डॉक्टर्स की निगरानी में है। वो हमेशा फाइटर रही है। अनुपम ने आगे किरण के लिए दुआएं कर रहे फैंस का भी शुक्रिया अदा किया है। किरण खेर ने साल 1983 में रिलीज हुई पंजाबी फिल्म आसरा प्यारदा से फिल्मों में एंट्री ली थी। बॉलीवुड में उनकी पहली फिल्म पैस्तोंजी थी। उन्होंने कई हिंदी फिल्मों में काम किया है जिनमें सरदारी बेगम, देवदास, वीर जारा, ओम शांति ओम, खूबसूरत, दोस्ताना, कभी अलविदा ना कहना, सिंग इज किंग, टोटल सियापा और फना जैसी फिल्में शामिल हैं। लेकिन साल 2014 में किरण खेर ने राजनीति में कदम रखा। चंडीगढ़ से बीजेपी की टिकट पर किरण खेर ने अपनी किस्मत आजमाई और 2014 के लोकसभा चुनाव में उन्हें जीत भी मिली। उन्होंने आप उम्मीदवार गुल पनाग और कांग्रेस उम्मीदवार पवन बंसल को हराया था। किरण खेर पिछले कुछ दिनों से चंडीगढ़ में नजर नहीं आई तो उनकी गैर मौजूदगी पर कांग्रेस की तरफ से कई तरह के आरोप लगाए गए। कांग्रेस ने सांसद को ढूंढने के लिए एक अभियान सा चला दिया। झाड़ियों से लेकर पार्क और गलियों तक में किरण खेर की तलाश कांग्रेसियों की ओर से की जा रही थी। लेकिन अब जानकारी ये आई कि किरण खेर गंभीर बीमारी से जूझ रही है और मुंबई के अस्पताल में इलाज चल रहा है। हर तरफ दुआओं का दौर जारी है कि किरण खेर जल्द स्वस्थ होकर वापस लौटे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ तक।